और उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाले रैट माइनर वकील हसन के बेघर होने के बाद दिल्ली में उनका परिवार सड़क पर आ गया है। डीडीए ने अवैध निर्माण बताकर उनका घर गिरा दिया। अब हसन का परिवार टूटे घर के बाहर धरने पर बैठा है। आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। सिलक्यारा टनल में फंसे हुए 41 लोगों की जिंदगी बचाने वाले, उनके घरों में खुशियां वापस लौटाने वाले वकील हसन आज खुद सड़क पर हैं। उनके घर को डीडीए ने अवैध निर्माण बताकर ढहा दिया है। इस वक्त आप देखेंगे कि वकील हसन अपने टूटे हुए घर के बाहर आसमान के नीचे रात बिताने के लिए मजबूर हैं। खुले आसमान को छत बना करके सर्द रात में ये इस वक्त अपने परिवार के साथ यहीं बाहर बैठे हुए हैं। इस वक्त वकील हसन हमारे साथ मौजूद हैं, रैट माइनर जिन्होंने 41 लोगों की जिंदगी बचाई। वकील जी, पूरा मामला क्या है, आपको कैसे पता लगा कि आपका घर तोड़ा जा रहा है, किस आधार पर घर तोड़ा गया? मुझे अभी तक पता ही नहीं लग पा रहा कि टीडीए वाले को बोलते हैं कि अनऑथराइज्ड है, और यहाँ पर और भी मकान, दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, मेरे सामने मकान बने हुए हैं, पीछे बाउंड्री वॉल खींची हुई है डीडीए की, और सामने एमसीडी का रोड भी बना हुआ है। यहाँ पर सिर्फ मेरा ही जो प्लॉट बताते हैं अनऑथराइज्ड है।